ऑब्वियसली हम सब इंस्पायर हैं सचिन तेंदुलकर सर से. सो क्योंकि वो मास्टर थे एंड बहुत अच्छा उन्होंने सबके लिए एक रोल मॉडल थे. और जब हम भी बच्चे थे और खेलते थे तो सचिन सर का एक माइंड में होता था कि सचिन सर वैसे खेलना है, वैसे खेलना है. सो वही एक हमारे सबके रोल मॉडल है. इस BCL में अगर मैं देखूंगा तो हमारा कंपटीशन सबसे ज़्यादा दिल्ली से है. दिल्ली के पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं एंड सुनने में आया सलील अंकोला जी भी उनकी टीम में है. सो या बहुत एक्साइटेड है उनके साथ खेलने के लिए क्योंकि हमारा मैच है उनके साथ और अपनी जी जान लगा देंगे जीतने के लिए. और आगे की क्या मतलब किस तरह की तैयारी, प्रैक्टिस हमारी रेगुलर चल रही है. हर हफ्ते में एक या दो बार हो जाती है और 3 घंटे की प्रैक्टिस रहती है. और सारे जो बैट्समैन हैं, हम मोस्टली ट्राई कर रहे हैं कि सब ऑलराउंडर्स रहें, कोई एक बैट्समैन या बॉलर नहीं. हर बॉलर बैटिंग भी कर सके और हर बैट्समैन बॉलिंग भी कर सके. सो हम एक बहुत ही ऑलराउंडर टीम के साथ उतरेंगे टीम मैचेस में. आप पर्टिकुलरली क्या है, ऑलराउंडर हैं या बॉलर हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ. जब मैं अपना नेशनल खेलता था U19 पंजाब से, तब भी मैं ओपनर बैट्समैन एंड ओपनर बॉलर था. यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को मुश्किल हो रही है बॉलिंग करवाने में, लेकिन उस पर भी मैं अपना पूरी जी जान से काम कर रहा हूँ और बॉलिंग भी कराऊंगा, बैटिंग भी करूँगा. या आई एम ए फास्ट बॉलर एंड ओपनर बैट्समैन. थैंक यू सो मच. जब क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले जब था पुणे की टीम है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पुणे से करी है तो मैं बड़ी खुश थी. क्योंकि उसके बाद हमें पता चला पढ़ी लिखी भी तो मैं बड़ी खुश कि पुणे से पढ़ाई की और पुणे की टीम मिल रही है, तो एक वो एक्साइटमेंट था. और क्रिकेट हमेशा बचपन में खेला है भैया के साथ, जिसे कहीं बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, तो आज ऐसा मौका हमें मिलता है. हमारी टीम के लोग हमें देते हैं मौका बैटिंग करने का, तो बहुत मज़ा आ रहा है. यस, कैप्टन देते हैं, सारे टीम मेट्स भी देते हैं. उसके साथ हम रोज़ रात में जब भी टाइम मिलता है ऑल्टरनेट डेज को रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की. सो हाँ, तैयारी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत. ये बॉल से खेलना काफ़ी टफ है, तो कैसे प्रैक्टिस सेशन में कैसे? हाँ मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि ये बॉल सबके लिए बहुत टफ है. नहीं, ये बॉल लड़कों के लिए टफ है, लड़कियों के लिए बहुत आसान है क्योंकि उनको बॉल लगने का डर नहीं है, इसलिए वो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है. हाँ, हो सकता है, मेबी. आप प्राची, यू हैव बीन अ इन्वेस्टमेंट बैंकर एज़ आल्सो, एनी फाइनेंशियल टिप्स दैट यू वुड बी ऑफरिंग टू द स्टैंडर्ड चैटर? या राइट, आई लाफ, आई टेल चैटर का पता है सब बात. After seeing the investment in this event right now, let's calculate it and then I'll be able to tell you about how much, how much is the gain and loss in it. So then next year I'll be able to do it. मैं किसी टीम को बिल्कुल कंपटीशन नहीं मानती यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सारे शेर हैं हमारी टीम में और हम ही जीतेंगे बस. आप खुद ही सोचिए ना, अगर एक खूबसूरत महिला ने 1000 लोगों को अपनी खूबसूरती से बोल आउट कर दिया तो 11 खिलाड़ी क्या है सामने वाली टीम? क्या बताओ, हजार हजारों सेइंग इफ यू आर टाइगर देन आई एम टाइगर इन क्वार्टर. मतलब अगर वो लोग शेर है तो हम लोग सफर शेर है. नहीं, इट्स लाइक ऑन अ सीरियस नोट, कॉम्पिटिशन सारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, बट दैट वो फीलिंग होती है मन में कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जीतेंगे, तो आई थिंक वो हमें है बहुत ज़्यादा. आप सभी लोग बारी बारी बॉलर हैं, बैट्समैन कौन से? जी, मैं इस टीम में बॉलर एज अ बॉलर खेल रहा हूँ. मैं आप प्लीज मेरे कैप्टन से पूछें, वो मुझे ये ऑलराउंडर है. ऑलराउंडर है. मैं अपनी टीम के लिए ओपन कर रहा हूँ बैटिंग एंड मोस्टली आई बैट्समैन एंड रन बनाना चाहता हूँ अपनी टीम के लिए. आई तुम प्लेइंग एज अ कैप्टन, कोई बात नहीं. जैसे कैप्टन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन की होती है ना, उसको आप टीम से निकाल नहीं सकते, अच्छा खेले या बुरा, लेकिन अदरवाइज आई एम प्लेइंग एज अ बॉलर. और या वन क्वेश्चन फॉर द गॉर्जियस लेडी, हु इज द हॉटेस्ट प्लेयर इन द ग्रुप? हॉटेस्ट प्लेयर इन माय ग्रुप, ओ माय गॉड, यू नो, सोच समझ के जवाब देना. द हॉटेस्ट आई थिंक इज राहुल रॉय, क्योंकि मतलब आप बचपन में देख रहे हैं उनको और फिर टीम में. थैंक यू फॉर सेइंग मी. थैंक यू एवरीवन.